আমি বাড়িতে বসে জাস্ট চা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ গার্ড ফোন করে যে নিচে আসুন, আগুন লেগে গেছে। তো আমাদের তো মানে আগের অভিজ্ঞতা আছে, এর আগেও এখানে আগুন লেগেছে। তো আমি দৌড়ে নামি, দেখি সামনের দোকানটাতে ভেতরে আগুন জ্বলছে। তো আমি এসে ইলেকট্রিক যে আপনার মেন সুইচটা ছিল বাইরে জাম্পারটা ট্রান্সফরমারে, ওটা আমি নামিয়ে দিই। নামিয়ে দেওয়ার পর আমরা জল বালটি দিয়ে আমরা আগুন ফাগুন নেভাই। তার ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করা হয়েছিল, ওনারাও এলেন। ওনারা এসে আমার পুরো ওটাকে ভালো করে নেভালেন। কিসের ইয়ে ছিল? ও অফিসটা ছিল হচ্ছে আপনার লোন ফোনের এইসব অফিস ছিল, কিছু বন্ধ ছিল নাকি? আজকে তো আমি ছটা সাড়ে ছটা তখন পর্যন্ত খোলা ছিল, তারপরে তো যেমন আধ ঘন্টা আগে বন্ধ করে গেছে। তারপরে তো কোনো কারণে এখন আগুন লেগে গেছে, কী করে বোঝা মুশকিল। যেমন নয় মেবি শর্ট সার্কিট হতে পারে। এখন কন্ট্রোল আছে? এখন কন্ট্রোল আছে, একদম একদম সব ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম কিছু নাই। আমার লাইনও আবার চালু করে দিয়েছি। लंबे समय से आसनसोल कोर्ट में फंसा 28 नंबर वार्ड रहमानिया स्कूल के समीप स्थित एक घर के मसले का फैसला 22 फरवरी यानी आज बुधवार के दिन हो गया, लेकिन इस मुकदमे के फैसले ने जहां एक पक्ष को इंसाफ दिया तो दूसरे पक्ष में कोहराम मच गया। दरअसल ये मामला एक घर का है जहां रह रहे किरायेदार मकान मालिक के लिए मुसीबत बन गए थे, और उन किरायेदारों को मकान से बाहर निकालने के लिए मकान मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद किरायेदारों को मकान खाली करने का निर्देश दिया, और कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि उनके फैसले की नामंजूरी की जाती है तो इसके लिए पुलिस हस्तक्षेप भी कर सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बुधवार को जब किरायेदारों ने कोर्ट के आदेश के अनुसार मकान खाली नहीं किया तो आसनसोल जांगरी मोहल्ला फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घर का सामान बाहर निकलवाया, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। किरायेदारों के परिवार के मुखिया ने कहा कि वह इस घर को खाली नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। वहीं घर की एक महिला बुरी तरह अस्वस्थ हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं कोर्ट से मुकदमा जीत चुके मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस अपना काम कर रही है। दादा मेरा तो समझिए 50 साल होने वाला, समझे मेरा इसी घर का पैदाइश, हम हो संभाले दादा, हम यही घर में दें। अगल बगल से आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हम लोग कितना दिन से हैं यहाँ पे, उस सब बच्चा लोग का मेरा सब हम लोग लेके यहीं पे एक ही जगह में। ये लोग लेने से पहले हम लोग से कुछ नहीं मशवरा किया, कुछ नहीं किया। मतलब हमारा खरीदने का बाद इसमें दो दो टेनेंट था, एक टेनेंट को खाली कर दिया, ये कभी पैसा नहीं दिया, जिससे घर खरीदा उसको भी कभी पैसा नहीं दिया, और हम लोगों को भी जब हम लिए तो हम इसको जब खबर किया तो 4-6 महीना पैसा दिया थोड़ा बहुत, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम इसको बहुत ऑफर दिया कि तुम ऐसा करो, घर का हम तो ले लिया है, तुम दूसरी जगह ज़मीन भी लिया है लेकिन अपना नाम पर नहीं लिया, अपना भाई का नाम पर लिया है, तुम जाओ वहाँ बना करके लो रहो, जो बनाने में खर्चा होगा थोड़ा बहुत हम भी साथ में देंगे। नहीं तैयार हुआ, फिर उसको हम और एक ऑफर दिया था कि जो घर है तुम तो इसमें भाड़ेदार है, बोला हाँ भाड़ेदार है, हमने तो ऐसा करो हम एक रूम एक लेटरिन एक बाथरूम बना देते हैं, एक किचन बना देते हैं, तुम भाड़ा में रहना, जो 10 आदमी मान लगा तय कर देगा भाड़ा तुम हमको देना, लेकिन उस पर भी तैयार नहीं हुआ, नहीं हम तो पूरा घर लेंगे। तो তারপরে তো শেষে জাজমেন্টটা মানে এগ্রি করলো যে জিনিসপত্র তোমরা খালি করে দিচ্ছেন, এরা পুরো খালি হয়ে গেলে ওরা আমরা ডিগ্রি হোল্ডারকে হ্যান্ড ওভার করব। এটা কতদিন ধরে চলছিল মামলা? এটা আমাদের ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে 22/19, তার মানে 19 সাল থেকে ধরা যাক মামলাটা চলছে, মানে এটা একটা এক্সিকিউশন মামলা। তার আগে ট্যান্ডেসুটের মামলা চলছে কতটুকু সেটা আমরা ঠিকমত বলতে পারছি। आसनसोल रेल मंडल के चितरंजन रेल स्टेशन स्थित जीआरपी पुलिस पोस्ट प्रभारी को रेल पुलिस अधीक्षक धनबाद ने निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। होली मिलन समारोह में कथित तौर पर नर्तकियों के साथ नृत्य का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई।
विभागीय कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही नर्तकियों के साथ नृत्य में शामिल हुए अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। रेल पुलिस द्वारा जारी निर्देश में अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि रेल पीपी प्रभारी जैसे एक जिम्मेदार पद पर होते हुए महिला डांसरों के साथ अश्लील डांस में ठुमके लगाए जाने से पुलिस जैसे अनुशासनिक विभाग की छवि धूमिल हुई है, जो इनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, मनमानेपन, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, संदिग्ध आचरण एवं एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का परिचायक है। अतः उपरोक्त आरोप के लिए सुरेश पासवान रेल पीपी प्रभारी चितरंजन को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है। साथ ही विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रेल पुलिस केंद्र धनबाद होगा। अन्य पुलिस कर्मियों के डांस में सम्मिलित होने के बिंदुओं पर जाँच के बाद अलग से उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एटेक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। रूपनारायणपुर स्थित गारमेंट फैक्ट्री हिंदुस्तान केबल के सर्वे के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक विशेष सर्वे टीम भेजी गई। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार की विशेष टीम ने हिंदुस्तान केबल्स के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। बंद पड़े कारखाने के अलावा जलाशय, आवास, मंदिर एवं अन्य परिसरों का भी सर्वे किया गया। साथ ही इन परिसरों की तस्वीरें भी ली गई। इस टीम में एक महिला अधिकारी सहित कुल 4 लोग शामिल थे। आपको बता दें, हिंदुस्तान केबल्स का ये कारखाना एक लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं गुरु नानक मॉडल स्कूल के सहयोग से स्कूल परिसर में ही एक कैंटीन खोला गया है और इसका उद्घाटन आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह भरारा ने किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना में प्राण गंवाने वाले संदीप सिंह की विधवा इस कैंटीन का संचालन करेंगी। अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि इस कैंटीन के संचालन से छात्रों को अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाना भी मिलेगा और संदीप सिंह की विधवा को आर्थिक लाभ भी होगा, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकेंगी। का कार्यक्रम जो था वो, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा गुरु नानक मॉडल स्कूल यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो बच्चों की बड़े दिन से डिमांड थी कि यहाँ एक कैंटीन खुला जाए, क्योंकि बाहर का सड़कों का गंद का खाना जो गंदा होता है, अनहाइजीनिक होता है, वो खाना ठीक नहीं था। तो कमेटी ने ये फैसला किया कि हमारे समाज के ही एक लड़के थे, संदीप सिंह और चरणजीत सिंह, जिनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो संदीप सिंह जी की वाइफ जो हैं, उनको हमने यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक स्कूल के लिए नया कैंटीन बना के दिया है, ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ मदद हो जाए और बच्चों को साफ़ सुथरा खाने पीने का सामान मिले।